नीचे पड़ा है, देखिए कैसे देख रहा है मुझको। ये किसका किसका बच्चा है ये? मुझे पता नहीं ग्रैंड मास्टर, लेकिन कब से मेरे पीछे पड़ा है। अरे किसका ये कुत्ता? तू डर मत, ये तुझे काटेगा नहीं। काटेगा नहीं मतलब क्या दादा? तू फिकर मत कर, तू इधर आ जा, कोई काटेगा नहीं। पक्का? आ जा, एकदम पक्का। मेरे को देख रहा है, काटेगा मुझको दादा? आप काटोगे? काटोगे उसको? हाँ। बोलता है तो हाँ काटेगा। वो तो देख कर ही मालूम पड़ता है, वो खुद कह रहा है, अपनी आंखों से मुझे कह रहा है कि मुझे ज्यादा चर्बी वाला खाना पसंद है। लेकिन बेटा आप नहीं खाना, कहीं आपको 14 इंजेक्शन ना लेना पड़ जाए। दादा शो शुरू कर दूं, आप बस उसे संभाल के रखना अपने पास। ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। चलिए फिर, वेलकम टू नो सूपी नूडल्स, डीआईडी लिटिल मास्टर्स, पावर्ड बाय एलआर एक्टिव, रिटर्न ऑफ डांस के बा। क्या बात है? तो चलिए सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए। यही है क्या? यही है जिसने हमारे डॉगी को मैंने अभी हमने देखा कि तुम हमारे डॉगी के आगे भाग रहे थे, चोरी भी शुरू कर दी तुमने। अरे मैंने, वो मेरे पीछे पड़ा था, मैं कैसे चोर? मैं काम चोर लगता हूँ लेकिन चोर नहीं होता। अरे लेकिन क्या, हमारा डॉगी का है? कहाँ है हमारा डॉगी? वो देखो, वो वहाँ बैठा है ग्रैंड मास्टर के साथ। अरे ग्रैंड मास्टर, हेलो। वो क्या है ना कि ये जो डॉगी है वो हमारा है, जो उसने। अब मेरे पास बैठ सकता है ये? हाँ जी, अगर आप चाहे तो हम भी उसके पास आके बैठ सकते हैं। प्लीज हमारे पास ही बैठ जाइए, आइए। थैंक यू। मैंने दोबारा प्लीज कभी नहीं, मैं नहीं, पूछ के लेके जाओ यार। शपथ मैंने नहीं किया। आई लव यू गीता। आई लव यू टू। और मर्जी तेरे बगैर, तेरी मर्जी के बगैर तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। बहुत प्यारा है। मुस्कुरा तो दे थोड़ा। बहुत प्यारा रहा है। तो हिंदी बात कर रहा है? हिंदी में मर्जी हिंदी में बात कर रहा है। देश, जब तुषार कपूर की आवाज आ सकती है तो डेफिनेटली हमारे मास्टर मर्जी हिंदी में तो बोल ही सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो चलिए एक बार फिर से जोरदार ताला हो जाए तुषार कपूर और रितेश देशमुख के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं देश के सुपर सिक्स लिटिल मास्टर्स के परफॉर्मेंसेस का सिलसिला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज होने वाले सभी परफॉर्मेंसेस में से वो एक परफॉर्मेंस जो हमारे मास्टर्स को सबसे ज्यादा पसंद आएगा वो बन जाएगा किंडर जॉय बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे। अब बारी है हमारे लिटिल मास्टर की, जिन्हें पिछले हफ्ते के दोनों परफॉर्मेंस के लिए ग्रैंड सैल्यूट मिला था। पेश है रांची की एक्सप्रेशन क्वीन, प्रिंस की पलटन से लिटिल मास्टर शालिनी। शालिनी, ऑल द बेस्ट, पॉप द स्टेज। Thank you.
खिले खिले रंग उड़ गए चलिए जानते हैं मास्टर गीता से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। मास्टर गीता, आई वांट टू हग शालिनी। आई थिंक शालिनी डिड अ फैबुलस जॉब, आउटस्टैंडिंग। मुझे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा वो ये था जब आपने रिबन को ऊपर फेंका, यू हैड टू टंबल एंड देन होल्ड इट बैक। वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, बड़े बड़े डांसर्स नहीं कर पाते हैं। हमने ट्राई भी किया है, लोगों के साथ नहीं कर पाते हैं, और आपने कर दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू टुडे। पिछले तीन परफॉर्मेंसेज आपके बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहे हैं। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये एक ही चेंज है सिर्फ आपके लिए प्रिंस, डोंट डू थिंग्स दैट कैन समटाइम्स ब्रेक 100/100 का परफॉर्मेंस। उनका एंड का वो जो स्पिन्स था उसको छोड़ के बाकी एवरीथिंग वाज बैंग ऑन। सो आई विल स्टिल से यू डिड अ स्टुपेंडो फैंटास्टिक फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। शालिनी फिनोमिनल, आपका रिस्ट वर्क बिकॉज ऑफ द रिबन फैबुलस, माइंड ब्लोइंग। यस टुगेदर बोथ ऑफ यू, इट वाज अ संडा बाबाडा। इवन इफ योर पीके टर्न्स आर नॉट राइट, इट वाज माइंड ब्लोइंग। God bless you. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you so much, masters. Ritesh, आप बताइए आपको इनका performance कैसा लगा? Performance तारीफ़ काबिल था। You were like जैसे मैं श्रीदेवी या माधुरी दीक्षित को देख रहा हूँ। You know, क्योंकि यहाँ पर भी कैमरा आया तो you were with your expression, आपने expression नहीं छोड़ा, क्योंकि आप गाना गा रही थी तो आपकी बॉडी और आपका चेहरा दोनों 100% थे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज शालिनी ने जिस अदा से, जिस खूबसूरती से, जिस क्रेज के साथ डांस किया, मैंने बहुत दिनों के बाद आपको इस तरह देखा है स्टेज पर। अचानक आप में कुछ हो गया है मैडम, कि और एक बार आई लव यू बोलो, शायद और अच्छा हो जाए। बोलो आई लव यू। दादा आप बताओ ये दबा के क्यों बोल रही है? पूछो ऐसा आप क्यों बोल रही हैं? साइड का एक दांत चला गया है, हवा निकल जाती ना वो बाद में बोलती आई लव यू। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच। मैं एक चीज बोलूं? जी। जो आप जेनेलिया आंटी के लिए वो गाना गाए थे ना? कौन सा? मैंने बहुत गाने गाए। मैं मारी जावा वो वाला। नहीं नहीं, मैं वारी जावा, मारी जावा। वही वही। उसकी जगह और एक दूसरा गाना गाओ तो चलेगा? कि वही गाना गाओ? चलेगा ना। दिल वाल्यांच्या प्रेमाचा इंगा दाखवतो, तू हो मन तुझ्यावर महाराष्ट्र लुटतो। दिल वाल्यांच्या प्रेमाचा इंगा दाखवतो, तू हो मन तुझ्यावर महाराष्ट्र लुटतो। आयुष्यात घेऊन जरा रिक्स, माझ्या हार्ट मध्ये तू फिक्स, मराठी इंग्लिश मिक्स करू, ऐक ग रे ऐक ग रे। दिल वाल्यांच्या ओ दिल वाल्यांच्या, दिल वाल्यांच्या काळजाचा ठोका चुकतो, तू हो मन तुझ्यावर महाराष्ट्र लुटतो। क्या बात है! थैंक यू सर। सुपर। तो अब सबसे बड़ा काम है कि आपको वोट अपील करना है, तो चलिए जनता से मांगे वोट। मुझे वोट करने के लिए आप मिस कॉल दे सकते हैं 1800266656 और 06 पर। मेरा कोड नंबर है 06। मुझे सेव कीजिए।
But now let's add a call, Charlie. Thank you. हमारे अगले लिटिल मास्टर्स से जब हमारे मास्टर्स ने पूछा कि आप इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हो, तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि प्रैक्टिस करने से तो सब कुछ हो जाता है। पेश है नीरव के निंजा से कोलकाता के लिटिल मास्टर जी। सुपर दिख रहे, फुल बॉडी बॉडी दिखाने का प्लान है आपका। थैंक यू। हाँ थैंक यू। बाइसेप्स कितने तुम्हारे? बाइसेप्स ये 2.5 किलो का हाथ। सुना आपने 2.5 किलो का हाथ है? बाकी पूरा बदन 500 ग्राम का। तो वैसे आज आपके स्किपर नीरव नहीं आ पाए हैं बिकॉज वो थोड़ी बीमार हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे मास्टर से कि आप उन्हें बेस्ट ऑफ लक कह दें। तोड़ी ना को, फोड़ी ना को, भूको करी ना को, ऑल द बेस्ट जीत। मम्मी आप ही बोल ही दो, अभी नहीं बोल दे। दादा देखे ना, एक बार तो कह दीजिए, आपका दादा जिस तरह से आपने कहा है, कहा बताए हम, मतलब कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं। चलो बोलो भाई, एक बार तोड़ी नाको, फोड़ी नाको, भुक को करी नाको। दादा चलिए, दादा नहीं, इस बार रितेश करके दे। रितेश, रितेश बोलो। आपके पास 3 चॉइस है, जिनका भी नाम आपको अच्छा लगता है उनका ले लीजिए। जॉय। जॉय क्या पंटर है? जॉय, जॉय, यस 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 मर्जी। आज पता चला एक्चुअली ये बार बार क्यों कह रहा है, एक बार बोलिए ना ये सुनने के लिए। जय दादा, जॉय जॉय, वो बोल दो जॉय जॉय। एक बार बड़े जय तोड़ी ना को, फोड़ी ना को, भूख को करी ना को, देखो कैसे तोड़ता हूं। बोलो बोलो तातरी नीतेश से। मम्मी तोड़ी ना को, फोड़ी ना को, भूख को गुड। हे मिट्टी पे खींची लकीरें, रब ने तो ये तस्वीर बनी, आग हवा तो फिर ये तस्वीर सजी। ए हस्ती तेरी विशाल हो, कुदरत का तू कमाल, हे मनमोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो पर से झर 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 नाचे चमक चमक वो बिजली दीवानी है, बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई, तुझ में है कुदरत सारी खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई। मिट्टी की है मूरत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, ये सादापन ये भोलापन, तू महकी महकी तू लहकी लहकी, तू चली चली हर गली गली, तू फैंटास्टिक जीत, क्या परफॉर्मेंस दिए यार, पावर पैक, जोरदार ताली हो जाए जीत के लिए। दादा आज नीरव इज नॉट हियर,
किसके पर, तो मैं इनके कमेंट्स लेना चाहूंगा अगर आपको कोई एतराज ना हो। ओके थैंक यू। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए तुषार कपूर के लिए। तो पहले तो इनके स्किपर तुषार जी से ही पूछ रहे थे कि आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा। हेलो सर, आप ना आपका वो जो वाई आई 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 वो कमेंट्स करके मुझे बोल दो। अरे वाह, खुद ही क्या वे आई आई आ वो मैं आपको कैसा लगा जीत? आपका परफॉर्मेंस आज बहुत बहुत अच्छा था। आपके स्किपर ने आपके साथ बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह कोरियोग्राफ किया है। और जीत जो आप करते हो, मेरे ख्याल से आपकी उम्र का कोई दूसरा बच्चा नहीं कर सकता। इट वाज अ स्टुपेंडो फैंटास्टिकली फैंटास्टिकल परफॉर्मेंस। गॉड ब्लेस यू। मर्जी भाई, आपकी क्या मर्जी है? तुषार सर बहुत स्मार्ट है, पता था अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलने वाले हैं, तो रितेश को बोले बिना मैं मदद करता हूँ, मैं स्किपर बनूंगा आज उसकी। या, बट सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मर्जी, हिंदी इतनी अच्छी, हम शुद्ध इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, प्लीज आउटस्टैंडिंग, अभिमान है मुझे, गर्व है गर्व, इतनी अच्छी हिंदी आप बोल रहे हो। मैं से एक पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू नो आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, एक मैं आपको वाक्य दूं तो आप क्या उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दोगे? हाँ एक मिनट, रेडी। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। हाँ, जरूरत माँ है। हाँ, और बाप कौन है? दादा। हेलो हेलो, साइलेंस, दिस इज नॉट फेयर। आधा ही बोला उसने, पूरा करने दो। सॉरी 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 सर, बाय। जरूरत माँ है। नेसेसिटी मींस जरूरत, करेक्ट। मदर इज माँ एंड इन्वेंशन इज खोज। अच्छा तो नेसेसिटी जरूरत, सो जरूरत खोज माँ है, खोज की, तो एक साथ बोलना जरूरत, नहीं खोज की माँ तो नहीं हो सकती, खोज की। सो जरूरत है माँ के खोज की, नहीं यार क्या है दादा, दादा लड़े की सर, सर पॉइंट दे दो सर। व्हाट इज टैलेंट, अरे दादा व्हाट इज टैलेंट, इसे बहुत खुशी हो रही है। अब इनके कमेंट्स तो हिंदी में दोगे ना? इट वाज यस अ संडा बाबाडा ब्रिलियंटली डन परफॉर्मेंस। तो ऐसे नृत्य करते रहोगे, ओके, बहुत सफलता पाओगे। क्या बात, गॉड ब्लेस यू। यस फैंटास्टिक। दादा आपको कैसा लगा, आप बताइए। मैं खड़ा हो जाता हूं। थैंक यू सर मास्टर। रितेश, इतना पावर पैक परफॉर्मेंस आपने दिया है, गॉड ब्लेस यू, एंड आप और तरक्की करें और आगे बढ़े, एंड मे यू बी द बेस्ट डांसर ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। और सर आप एक मूवी में लड़की हुआ था ना, तो मैं भी डेड लिटिल मास्टर में लड़की का डांस किया, इसलिए मैं आपके साथ डांस करूंगा। लड़की बन के? अच्छा तू लड़की बन, मैं लड़का बनता हूँ। नहीं तो? दोनों लड़के हैं। क्या डोला रे डोला कर रहे?
वोट अपील? हाँ हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। मुझे वोट करने के लिए आप मिस कॉल दे सकते हो 1800200 नहीं 1800200665609 पर मेरा कोड नंबर है 09। प्लीज प्लीज जनता मुझे वोट करिए। जय बांग्ला जय भारत जय कोलकाता। सुपर। तो चले फिर इसी बात पे जोरदार ताली हो जाए तुषार कपूर और जीत दास के लिए। पिछले कुछ हफ्तों से वो अकेले ही कृति के क्रैकर्स की कमान संभाले हुए हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार्स उनका चैलेंज एक्सेप्ट करने से डरते हैं, इसीलिए तो हम उन्हें आसाम का एटम बॉम्ब कहते हैं। पेश है कृति के क्रैकर्स से लिल मास्टर और ओम। ऑल द बेस्ट क्रैक इट गणपति बाप्पा मोरिया। थैंक यू। ए देवा तुझा दारी आलो गुणगान गाया जय। आप कुछ कहने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि पहली बात तो जो आप लोग जो देख रहे हैं ये घर में बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें क्योंकि हम लोग बहुत सेफ्टी के साथ करते हैं। लेकिन कृति आपको कुछ कहना चाहूंगा। पहले तो परफॉर्मेंस के लिए मैं पहले उनको सैल्यूट दे दूं। मास्टर्स ने कहा था कठिनाई बढ़ाइए, लेकिन इतनी कठिनाई कि हम डर जाएं। सॉरी दादा, मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा ज्यादा पुश कर रहे हैं इस छोटे बच्चे को। आई थिंक ही इज टेरिफिक, ही इज फैंटास्टिक, ही विल नेवर से नो, कभी वो ना नहीं कहेगा कुछ कहने के लिए। लेकिन हमको ऐसा लगा कि इतनी कठिनाई नो, मुझे ऐसा लगा कि एक जगह है तो हम डर गए थे, वेरी वेरी स्केयर्ड। Thank you very much. आगे। Thank you so much, Grandmaster. Master Geeta, आप बताइए आपको ओम का परफॉर्मेंस कैसा लगा? Absolutely agree with दादा। हमने कहा था डिफिकल्टी लेवल बढ़ाइए,
इनसे ऐसा कुछ करवाइए जो इनको वापस लाइमलाइट में ले आए। ओम, आपके गट्स के लिए और जिस तरह आप हर चीज को एक्सेप्ट करते हो चैलेंज के तौर पे, उसके लिए डेफिनेटली मैं भी आपको बोलूंगी कि यू आर अ स्टुपेंडो फैंटास्टिक फैंटास्टिक डांसर, आउटस्टैंडिंग, ओके, यू आर वेरी गुड ओम। लेकिन रियली कृति, शायद डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने की ये जो आपकी कोशिश थी उसके चक्कर में उनके डांसिंग के ऊपर आई थिंक ध्यान कम हो गया, वन, रेपिटेटिव हो गया, टू, थ्री, आई थिंक फायर फॉर हिज एज, आई गॉट लिटिल स्कैर्ड, थोड़ा सा डर उनको भी लगा जब उन्होंने वो फायर का पोल उठाया विद अ रिंग इन इट। एक पॉइंट पे इवन ही वेंट लाइक दैट, बच्चा है डर जाएगा, सो लेट्स नॉट पुश द चिल्ड्रन टू दिस लिमिट, आई एम नॉट विद इट। लेकिन ओम, तू कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो तुम करते आए हो वो ही करना, इससे ज्यादा हमको इतने की उम्मीद नहीं है, मुझे तो नहीं है, ओके, दैट्स ऑल आई हैव टू से। मास्टर मर्जी, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? आपने जो ये लास्ट मिनट में किया, आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, मतलब आपको बराबर कहते हैं कि जितना भी करवाते हो आप कर जाते हो, आपको पता नहीं आप क्या क्या कर रहे हो ना, ये सब फुटेज है आप रखना और 10-12 साल बाद आप देखना, आप देखोगे कि आपने क्या क्या कर दिया, बोलेंगे क्या है मैंने क्या कर दिया था उस वक्त, क्या करवा दिया कृति मैडम ने मेरे से। सो करने के लिए कमेंडेबल कृति, कोरियोग्राफी में थोड़ी ध्यान दो कि ही गोज ऑल ओवर द प्लेस, उसकी एनर्जी इतनी सारी है एंड ऐसी एक्ट कर रहा है जहां पे उसकी इतनी एनर्जी की रिक्वायर्ड है, तो वो एनर्जी को लेके जाता है, तो पूरा एक्ट में उसको इतनी एनर्जी चाहिए, कंट्रोल इज एनर्जी, ही विल बी मच बेटर द डांसर ऑल्सो इफ यू जस्ट कंट्रोल इज एनर्जी, ओके, ऑल द बेस्ट अदरवाइज। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तुषार, आप बताइए आपको ओम का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? एक्चुअली मैं सबसे अग्री करता हूँ, मैं भी थोड़ा डर गया था। Let's not look at all the negative. Let's see ki, let's look at some positive also. मैं appreciate करता हूँ कि इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, आपने भी बहादुरी दिखाई इनको ये सिखाकर, क्योंकि आप पर भी आती है responsibility. That is great. लेकिन इससे अब सीखना चाहिए हमें, इसको 10/10, चलो 10/10 दे सकते हैं, लेकिन इससे अभी सीखना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच तुषार। रितेश, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी लोगों ने जो कहा हम लोगों ने सुना है, लेकिन हैट्स ऑफ के DID के इस मंच पर जो सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस लिए गए हैं ये एक्ट दिखाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उस सेफ्टी मेजर्स के लिए तालियां बजाएं, कि यहाँ पर ये जो भी हो रहा है विदाउट सेफ्टी मेजर्स कभी नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर देख रहा था 10 लोग थे सब कुछ देखने के लिए, और सारे सेफ्टी मेजर्स लेकर ये एक्ट किया गया है, तो सेफ्टी मेजर्स के लिए हैट्स ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट फ्रंट। सभी लोगों ने कहा कि कितना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, हार्ड है, लेकिन बॉस क्या परफॉर्म किया यार तूने, हाँ एकदम स्टेज पर आग लगा दी तूने। आपका ये परफॉर्मेंस देखकर, कॉन्फिडेंस देखकर सभी लोगों ने कहा कि आप में इतनी एनर्जी है, आप कहीं पर भी बिना आग के भी आग लगा सकते हो, इतनी आप में एनर्जी है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट, आपका परफॉर्मेंस बहुत बहुत बेहतरीन था, और कोरियोग्राफर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये करने के लिए भी गट्स लगते हैं, एंड उस गट्स के लिए आई वुड से कंग्रेचुलेशंस। ऑफकोर्स हम सभी डर गए थे, पर डर के आगे जीत होती है, तो आई थिंक यू आर अ विनर टुडे। थैंक यू सो मच रितेश। सो ओम, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इतने हफ्तों से आप कह रहे थे कि मैं आग लगा दूंगा स्टेज पे, मैं आग लगा दूंगा, और फाइनली आपने लगा दी यार, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस था। तो आप देरी नहीं करते, और सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइए कि आप बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं, मतलब आपका सपना क्या है? एक्टर बनना। एक्टर बनना चाहता है ये, क्या बात है। तो दोस्तों, हमारे कंटेस्टेंट्स की आंखों में कई सपने हैं जो पूरे होंगे फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहकर, इसीलिए डेटॉल ना सिर्फ हेल्थ का बल्कि कंटेस्टेंट्स के सपनों का भी ख्याल रखते हुए टॉप 4 कंटेस्टेंट्स को देंगे 35,000 की स्कॉलरशिप। जोरदार तालियां हो जाए। और ओम, अब बारी है वोट अपील की, तो जनता से मांगिए वोट। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। रितेश भैया, आपसे
कुछ करवाना चाहता हूँ। करवाना चाहते हैं? कितना करवाओगे शो पर? मम्मी आपको नहीं, मैं अपनी मम्मी को याद कराता हूँ। आपसे एक चैलेंज लगाना चाहता हूँ। चैलेंज? हाँ। वो क्या होता है भाई? ओके, क्या करना है? आपको स्टंट करके दिखाना। स्टंट? आपको बता देते हैं रितेश जी कि यहाँ पे जितने भी आए हैं, यू नो जितने भी एक्टर्स आए हैं, सेलिब्रिटीज आए हैं, उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। जी, आइए आइए, एकदम सिंपल है बेटा। तुमको वही मिला, तुषार तुषार भैया को भी बुलाओ स्टंट करने के लिए। हाँ, ये हुई ना बात, करेंगे। अच्छा, मैं मुझसे पहले चैलेंज करवा रहे हो? हाँ। मत कर, बोल रहा हूँ मत कर। He's threatening. मत कर। Ready, ready, come on, Om. Om, go. नहीं होता है। कुछ और कर रहा हूँ मैं करता हूँ। हाँ करो, कुछ और करो, कुछ और। मैं एक स्टंट करता, तू करेगा? डन? चल मेरी पीठ पे बैठ जा। पीठ पे बैठ जा, ओके। वाह, दो, तीन, चार, पांच, फाइव। अच्छा, उतर जा अभी। क्या बात है, क्या बात। बैठता तेरे ऊपर। अरे बैठने तो दे, रुक तो सही। चल। अरे वन ही हो गया। यस, वन टू टू। बेटा मत कर, बम्बास्टिक परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा फिर से। अरे आपके लिए एक क्वेश्चन है। मैं आपका वो स्टंट करके दिखाऊं और फिर जय को करना पड़ेगा। अरे बाबा, okay. नहीं नहीं, ये बहुत शान है। नहीं, बहुत स्मार्ट है। नहीं नहीं, ये बहुत स्मार्ट है। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है ना, भाग रहे हैं उससे। पहले आप सवाल पूछिए। हाँ, जय जय करेगा, कैसे करेगा? कमांड आप कर सकते हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हो गया। अभी अभी चलो, वन टू थ्री फोर, चलो। ये तो कोई भी कर सकता है, आप भी करके दिखाता हूँ। देखो भाई, मैं एक ही चीज मानता हूँ, मैं उल्टे काम नहीं करता हूँ, मैं सीधा ही कर देता हूँ। नहीं, you have to do the same thing. अभी तो आ ही गया, मिस करने का। अब क्या बात है? ओह बॉडी, जेट भी निकाल दे। नजदीक रख, नजदीक। तुषार, लवली। Guys, please put your hands together for a very, very sporting Jay. इतनी इज्जत हजम नहीं होती। Jay, I love you. वो दिखा आपके वो गिरने से कि आप कितना प्यार करते हैं मुझसे। तो चलिए ओम, आप बारी है, आपके वोट अपील की तो मांगिए जनता से वोट। मुझे वोट करने के लिए आप मिस कॉल दे सकते हैं 1-800-266-5603 पर। मेरा कोड नंबर है 03। प्लीज प्लीज मुझे वोट करे, प्लीज मोला वोट करनो। दादा, आज कृति लाल मिर्ची नहीं लगती है? सबकी हिंदी तुझे मालूम है? और लाल मिर्च मर्चा, आई नो पारसी मर्चा। मर्चा नहीं भाई, मर्चा क्या है? इसे मर्चा इन पारसी। दादा, पारसी इज मर्चा, पारसी इज मर्चा।
तो मिर्ची इज अ वुमेन पार्ट ऑफ मर्चा. मर्चा मींस मेल. अच्छा तू मर्चा ही है मिर्ची. मिर्ची. अच्छा चलो. वुमेन पार्ट ऑफ मर्चा. उड़ी बाबा मर्चा. मुझे बात हंसी आती है ना. तुझको मर्चा लगा तो मैं क्या करूं. तुझको मर्चा लगा तो मैं क्या करूं. फैंटास्टिक. इसी बात पे जोरदार तालियां हो जाए. ओम के लिए. जिस डांस स्टाइल को निखारने में इनके स्किपर को बरसों लगे हैं, उसे इस लिटिल मास्टर ने कुछ ही हफ्तों में इस तरह सीख लिया है कि लोग उन्हें स्किपर की परछाई बुलाते हैं. पेश है राघव के रॉकस्टार से लिल मास्टर रोहा. रोहन ऑल द बेस्ट. क्रॉक द स्टेज. क्रॉक इट. थैंक यू सर. जानते हैं मास्टर गीता से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा. मास्टर गीता आउटस्टैंडिंग. थैंक यू. आउटस्टैंडिंग. बहुत सारी अच्छे मोमेंट्स आपके एक्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा. वो बॉल का सेक्शन जो आपने किया वहाँ पे वो अच्छा था. टॉनिक पीते हैं अच्छा मोमेंट था. फ्लिप डाउन वेरी वेरी नाइस. ऑन द होल आई थिंक दिस वाज अ स्टुपेंडस फैंटास्टिक. थैंक यू. वेल डन. आज आपने जो बीट्स पकड़े हैं ना, जो हर एक काउंट को पकड़ा है और पकड़ने के बाद इतनी आसानी से डांस किया उसको, इंक्लूडिंग यहाँ पर आके जो आपने फेल पेन के साथ किया, आई थिंक यस इट वाज अ संडा बाबाडा बिग टाइम परफॉर्मेंस. गॉड ब्लेस. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच मास्टर्स. ग्रैंड मास्टर आप भी बता. आज तुषार बोलेगा. बोलो तुषार. मुझे अभी इस शो के बाद घर जाकर रिहर्सल शुरू कर देना चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्या किया इतने साल. और
जो मतलब आपकी जो शार्पनेस मेंटल शार्पनेस जो दिखाई आई थिंक इट्स अमेजिंग बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लेवर बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है इतना सब कुछ याद करने के लिए टाइमिंग के साथ और इसका क्रेडिट आई थिंक राघव को भी जाएगा थैंक यू मेरी तो बोलती बंद हो गई है आपका परफॉर्मेंस देखकर मैंने कभी भी अगर टीवी पे देखा है या लाइव देखा है दिस इज बाय फार द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन आपने बहुत 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 अच्छा किया है हर एक चीज़ और हर एक बीट में एक नयापन था और एक स्टोरी थी आई नीड टू गेट फार अहेड कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थैंक यू थैंक यू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तो चलिए फिर अब बारी है डेफिनेटली आपको तो सब पता है तो जल्दी से जल्दी मांगे जनता से वोट मुझे वोट करने के लिए आप मिस कॉल दे सकते हैं 1800-266-5604 पर मेरा कोड है 04 प्लीज 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 माला वोट करा जय महाराष्ट्र क्या बात है तो आपको याद दिला दूं कि वोटिंग बिल्कुल फ्री है आपको सिर्फ मिस कॉल देना है तो वोट करते रहिए हमारी वोटिंग लाइंस कल सुबह 7 बजे तक खुली हुई है एंड फॉर नाउ लेट्स हियर इट फॉर रॉय हमारे अगले लिटिल मास्टर इस मंच पर आए और इनके मोहल्ले के हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को डांस के लिए एनकरेज करने लगे और इनका डांस देखकर हर माँ शायद यही सोचती होगी कि मेरा बेटा इनके जैसा ही डांस करे पेश है मुंबई की शान प्रिंस की पलटन से लिटिल मास्टर फैसल खान फैसल ऑल द बेस्ट पॉप द स्टेज थैंक यू सर जिसकी खातिर मैं था जगा सा आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे माही आ जा रे तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसके खातिर मैं था जगा सा आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे चलिए जानते हैं मास्टर मोजी से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा अरे वाह रे वाह मुझे भी टेबल पे चढ़ना है लेकिन टेबल पे ज्यादती होगी तो फिर रेडी थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत डिफिकल्ट एक्ट था डबल रोप मलकम किया आपने एंड दैट इज रियली रियली डिफिकल्ट आपके सारे ट्रांजिशंस बहुत स्मूथ थे एंड फैजल टुडे आई एम रियली प्राउड ऑफ यू आज मैं नहीं रुकूंगी यू वर स्टूपेंडो फैंटेबुलसली फैंटास्मगोरिकली मैजिकल वेल डन आई एम प्राउड ऑफ यू तू आजा मेरे माही हो आजा मेरे
Fantastic, Faisal. Grandmaster, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? उससे पहले मैं तुषार से पूछूंगा. तुषार बताओ कैसा लगा? आपका परफॉर्मेंस सुपर कूल, सुपर डुपर कूल था. थैंक यू सर. रितेश, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? इससे पहले के अरे बाप रे बाप. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू फैजल. थैंक यू. चलिए फिर अब बारी है वोट अपील की. सो फैजल, मांगे जनता से वोट. मुझे वोट करने के लिए आप मिस कॉल दे सकते हैं 1800-266-5602 पर. प्लीज मुझे मिस कॉल दीजिए, छोटा सा मिस कॉल दीजिए, मैं अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस आपको देता रहूंगा. और याद रखिए इनका कोड है 02. सो ढेर सारे वोट करते रहिए. याद रखिए हमारी वोटिंग लाइन कल सुबह 7 बजे तक खुली हुई है. एंड फॉर नाउ लेट्स हियर इट फॉर फैजल. थैंक यू. थैंक यू. वेल ग्रैंड मास्टर, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. ये जो भी इनका नाम है, लूसी, ब्रूसली, चूसली, जो भी है, प्लीज इन्हें जरा विदा कर लीजिए ना यार. मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ये मौका देखने के फिरात में है, कभी भी उन्हें काट लेगा. देखो ऐसे बोलने से तो स्कूबी नहीं जाएगा. आप प्यार से बोलो स्कूबी आई लव यू, प्लीज गो. स्कूबी आमी तुम्हारे भालो पाची. He's not interested, दादा. यहाँ वहाँ देख रहा है. वो देखो, वो तो रुर कर रहा है यहाँ से. अभी के लिए बाय बाय कर लीजिए ना. देखो ना वहाँ पे वो बोलो फिर सॉरी. इनको बोलो सॉरी. सॉरी स्कूबी. ओके बेटा, गो गो स्कूबी गो. क्या बात है. अरे वाह वाह वाह, जोरदार ताली हो जाए स्कूबी के लिए. ओके, आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल हियर टुडे. और मैं चाहता हूँ कि दादा और तुषार प्लीज दोनों आप मेरे साथ आइए. आई हैव समथिंग टू से, बहुत ही पर्सनल है. पर्सनल समथिंग वेरी स्पेशल. ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ही मार रहे हैं? मैं हमेशा हिंदी फिल्में देखता हूँ. दादा तो जानते हैं कि मैं इनका कितना बड़ा फैन हूँ. जब मैं छोटा था तो दादा और जीतू जी, तुषार है यहाँ पर उनके पिताजी, उनका भी मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. सो इट्स माई ड्रीम दैट I want to dance with Dada and Tushar on this song of Jitu ji. Please play it. Kya baat hai? Zordar taali ho jaye. On Jitu ji's song. Dada. Gori tere ang ang mein roop rang ke saje hue hai kal se. इस लिटिल मास्टर की आज ख्वाहिश पूरी होगी. थैंक यू सो मच. सुपर्ब, जोरदार तालियां हो जाए रितेश, तुषार और हमारे ग्रैंड मास्टर के लिए. डांस सीखना अब हो गया है और भी आसान. ट्यूटोरियल्स के जरिए हमारे स्किपर्स खुद आ गए हैं आपको सिखाने आपके फोन पे. तो मिस कॉल दीजिए अभी और डाउनलोड कीजिए डीआईडी लिटिल मास्टर्स ऐप, नंबर नीचे है. प्रॉप कोई भी हो, डांस स्टाइल कोई भी हो, सब कुछ अपने आप खूबसूरत लगने लगता है जब हमारी अगली लिटिल मास्टर मंच पर होती है. पेश है जापानी गुड़िया राघव के रॉकस्टार से रांची की लिटिल मास्टर सौम्या. सौम्या, बेस्ट ऑफ लक. क्रॉक द स्टेज. क्रॉक द स्टेज. थैंक यू. Yeah.
स्वामी आपने बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस दिया है और हम पूछेंगे मास्टर गीता से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। मास्टर गीता, स्वामी इज अ फैबुलस डांसर, ये आपसे कोई नहीं ले सकता। यू आर एन आउटस्टैंडिंग डांसर स्वामी। थैंक यू मैम। आज का भी आपका परफॉर्मेंस टुकड़ों में बहुत अच्छा था, लेकिन आई जस्ट फील ये राघव के लिए बेटा, आपके लिए नहीं है। राघव, आई थिंक दिस सॉन्ग सम हाउ आई डोंट कनेक्ट टू दिस परफॉर्मेंस। सब कुछ अच्छा ही था, शी परफॉर्म्ड वेल ऑल्सो, पता नहीं क्यों आई जस्ट डिड नॉट कनेक्ट विद दिस परफॉर्मेंस। इट जस्ट डिडंट फील, आई डिडंट फील इट, सॉरी। थैंक यू। इट्स ओके। समय, आपको पता है आप अच्छे डांसर हो ना? पता है कि नहीं? यहाँ कैसे हंसी आ जाती है? तो फिर आपको, आपके लिए है ही नहीं है सब। आपके लेफ्ट में जो खड़े है लाल बाल वाले इंसान, उनके लिए हर डांस वॉज सुपर्ब। उनके टर्न्स ले लो, उनके एक्सप्रेशन ले लो, उनके सब कुछ वॉज बैंग ऑन। इट जस्ट डिड नॉट कनेक्ट हियर बिकॉज ऑफ द सॉन्ग। मे बी अगर गाना कुछ अच्छा होता तो इट कुड हैव कनेक्टेड अस। पर स्वामिया, आपको पता है आप कितने अच्छे डांसर हो, तो आपके लिए है ही नहीं। आप फिर भी अच्छे हो, आपकी कोरियोग्राफी में जो आपने डांस किया बहुत ही अच्छा था, फैबुलस था। सिर्फ थोड़ी राघव भैया से गलती होगी, आपसे तो होती नहीं है। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मास्टर्स। रितेश, आप बताइए कि आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? ये लोग जजेस है, टेक्निकली बहुत अच्छा जानते हैं कि क्या परफॉर्मेंस में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं एक दर्शक हूँ और मैं वही हूँ जो टीवी पर देखता हूँ, और आपका परफॉर्मेंस आई कनेक्टेड इंस्टेंटली। मुझे फ्यूजन बहुत अच्छा लगा। एज अ परफॉर्मर आप में कोई गलती नहीं है, यू आर एक्स्ट्रॉर्डनरी, यू आर एक्स्ट्रॉर्डनरी। और मुझे लगता है कि अगर मुझे मार्क्स देने होते तो मैं 100 में से 100 मार्क्स आपको दे देता। कांग्रेचुलेशंस। जब मैं परफॉर्मेंस देख रहा था, आई वांटेड टू जस्ट थैंक डीआईडी फॉर प्रोड्यूसिंग सच टैलेंट। मतलब हमारे देश को, मतलब ये टैलेंट प्राउड कराएगा। आई थिंक हर परफॉर्मेंस वाज पार एक्सलेंस, एंड वो बाकी सब मुझे नहीं पता। एक और कहना चाहूंगा कि हर बार जब आप क्लासिकल में आकर फिर वो एक्सप्रेस कर रही थी, एक एक पॉज, एक एक अदाएं, अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल, वेरी 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 गुड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ग्रैंड मास्टर, आपको सौम्या का परफॉर्मेंस कैसा लगा? जो उन्होंने कहा है वो तो एकदम सही है। हाँ। है ना? यस। वो आप भी मानते हो एकदम सही है, लेकिन अगर दर्शक की नजर से देखूं
तो मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहते हुए कि मैं इन दोनों के साथ सहमत हूं और मैं जरूर कहूंगा कि क्या बात क्या बात थैंक यू क्या बात थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आपके वोट अपील की तो मांगिए जनता से वोट मुझे वोट करने के लिए आप मिस कॉल दे सकते हैं 1800-266-5605 पर मेरा कोड है 05 प्लीज मुझे वोट कीजिए तो चलिए फिर इसी बात पे जोरदार ताला हो जाए सोम्या के लिए ऑल द बेस्ट आज के सारे परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं अब मैं मास्टर से पूछना चाहूंगा कि वो एक परफॉर्मेंस कौन सा था जो सबसे बेहतर था और किसे मिलेगा किंडर जॉय बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब तो किंडर जॉय बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब मिलता है फैजल को Congratulations, Faisal. आपने जीता है Kinder Joy Best Performance of the Day का खिताब इसलिए Kinder Joy की तरफ से आपको मिलता है ये gift hamper और एक surprise toy भी है आपके लिए अंदर जोरदार ताला हो जाए Faisal के लिए चलिए फिर अब बारी है super cool रितेश और तुषार के साथ हमारे little masters के एक special performance की जिसे देखते ही आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा तो इस परफॉर्मेंस के लिए जोरदार ताले हो जाए Thank you very, very much for coming on DID Little Masters. We wish you all the very best for Kya Super Cool Hai Hum. And I'm sure it's going to be a super duper cool, successful movie. It's releasing on 27th of July. God bless you both. Thank you very much once again for coming. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. मास्टर्स में से कोई चार बनेंगे फाइनलिस्ट तो वोट करते रहिए हमारी वोटिंग लाइंस कल सुबह 7 बजे तक खुली हुई है तो मिलते हैं अगले हफ्ते आपके फैसले के साथ तब तक के लिए इंडिया कीप डांसिंग